नमस्कार, मैं पूनम किचन से पूनम सिंह बोल रही हूँ। आज हमारे किचन में बनेगी सोया चाप की सब्जी, जिसके लिए हमने 2 सोया चाप ली है। नाइफ के हेल्प से हमने इसकी स्टिक को बाहर निकाल दिया है। एक भगोने में हम पानी बॉईल करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसमें सोया चाप के छोटे छोटे टुकड़े करके बॉईल होने के लिए रख देंगे, जो कि 2 मिनट तक बॉईल हो जाएं। बॉईल होने के बाद उनको हम बाहर निकाल लेंगे, एक साइड से रख देंगे। उसके लिए हम करेंगे मसाला तैयार, जिसमें हमें चाहिए 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, उसको ग्राइंड करके हम साइड रख देंगे। उसके बाद हमें चाहिए 1 प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, उनको ग्राइंड अलग से करेंगे, उसको हम ग्राइंडर से अलग निकाल के रख देंगे। उस तेल गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे सोया चाप। सोया चाप को लो फ्लेम मीडियम पे फ्राई करें। जैसे ही हमारी सोया चाप अच्छे से फ्राई हो जाए, उसे आप बाहर निकाल लें, उसमें जो तेल है उसको कम कर लें। उसमें हम अपना जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम डालेंगे और उसको धीमी आंच पे पकाएंगे। जैसे हमारे प्याज का पेस्ट अच्छे से पक जाता है, उसको हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। फिर इसमें हम ऑयल डाल के जब तक प्याज को बाहर निकालेंगे, उसमें कुछ ऑयल डाल के और हम अपने कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले डालने, ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च और 2-3 लौंग उसमें डालेंगे। हमने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर की, वो प्यूरी में हमें डालने हैं कुछ मसाले। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। नमक स्वाद अनुसार डालें, आप जैसा खाना पसंद करें वैसा डालें। जब तक हमारा मसाला पक रहा है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी वीडियो एंड तक देखें। इसमें डालेंगे हम कुछ कसूरी मेथी, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसमें हम डालेंगे सोया चाप, अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसे 2 कटोरी पानी डालेंगे। उसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली ना करें और उसको 7-8 मिनट के लिए गैस पे लो फ्लेम तक पकने दें। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप एक बार अवश्य बनाएं। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।